नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन। 28 महीने में बनकर तैयार हुआ है नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की करेंगे यात्रा। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जल्द ही जापान का करेंगे दौरा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में लगातार गैंग वॉर के मामले सामने आने के बाद जेल प्रशासन अलर्ट। तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार को भेजा प्रपोजल। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर को देश के अन्य राज्य के जेल में शिफ्ट किए जाने की मांग। मुंबई के ठाणे से आई सनसनीखेज घटना। 22 दिन के मासूम को 7 लाख रुपए में बेचने के आरोप में डॉक्टर सहित कुल 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज से 3 दिन के लिए नासिक दौरे पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके स्थानीय चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया नाले सफाई के काम का जायजा। बारिश से पहले किए जाने वाले नाले सफाई की काम अच्छी तरह से नहीं हुई तो कार्रवाई करने की दी चेतावनी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मातोश्री पर उद्धव ठाकरे और कार्यकर्ताओं की बैठक। दक्षिण मुंबई का लिया जाएगा जायजा। महाराष्ट्र में बढ़ रहा लापता महिलाओं का ग्राफ। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने शिंदे सरकार से की इस मामले में कदम उठाने की अपील। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया आश्वासन। कहा, चिंता न करें, भाजपा महाराष्ट्र में पिछली बार से ज्यादा जीतेगी सीटें। एलन मस्क ने यूजर्स को दिया तोहफा। ट्विटर पर अब 2 घंटे का वीडियो अपलोड कर सकेंगे यूजर्स। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुंबई समेत महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए YouTube पर इन 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।